Good morning, good morning. लॉग 20% ऑफ है ये यूपीपीएससी ए स्कॉलरशिप टेस्ट 27 मार्च 12:30 बजे गेट इन टच विद योर काउंसलर स्पेशल क्लास फीचर्स क्वेश्चन देखें What is live file? With reference to live file, क्या correct है? दे दो कॉफी लाइफ आई के बारे में क्या करेक्ट It uses light as the medium for high speed data transmission. Wi-Fi वाला ही concept है. Wi-Fi वाला ही concept है. पर यहाँ पे radio wave की जगह light wave use हो रही है. It is a wireless technology and faster than Wi-Fi. Wireless technology faster than Wi-Fi. दोनों बातें सही है. INDC intended nationally determined contribution
intended nationally determined contribution. क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है ये INDC रोडमैप है, रोडमैप है ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करा जाए. प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. उदय योजना, उदय योजना उदय योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो घाटे में है कैसे उनको उबारा जाए. प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्नअराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्नअराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स ये किससे संबंधित हैं?
डब्ल्यू टी ओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोंगा डायनेस्टी. कालिदास की रचना सोंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसके बेटे की कहानी कौन सी है. मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र. राष्ट्रीय गरिमा अभियान किस चीज के बारे में संबंधित है. राष्ट्रीय गरिमा अभियान किस चीज से संबंधित है. राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या चीज के बारे में. मैनुअल स्केवेंजिंग को हटाने के लिए और इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये बर्ड कहाँ पाई जाती है. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये बर्ड कहाँ पाई जाती है. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट में. वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट. नीम कोटेड यूरिया क्या पर्पस है इसका. नीम कोटेड यूरिया का क्या पर्पस है.
neem coating slow down the rate of dissolution of urea in the soil. यूरिया को सॉइल में मिलाया जाता है तो उसका ब्रेकडाउन रेट बहुत तेज होता है, 20-30% सॉइल में टिकता है, बाकी नाइट्रोजन उसमें लॉस हो जाता है, नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल. स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या चीज के बारे में है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या चीज के बारे में है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या चीज के बारे में? स्टैंड अप इंडिया योजना 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन एससी एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाए सिडबी के द्वारा. ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज दिबांग कामेंग लोहित. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन.
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वो सिस्टम है जिसके द्वारा एक बैंक की सभी ब्रांचेज आपस में जुड़ी हुई हैं, एक बैंक की सभी ब्रांचेज आपस में जुड़ी हुई हैं। इट इज़ ए नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। ये सही है, ये एफर्ट है आरबीआई के कंट्रोल को बढ़ाने का, एनपीए घटाने का, ये भी नहीं, ओनली वन मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन प्रोग्राम है 2 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं। इसमें कौन सा टर्म किससे रिलेटेड है? कौन सा टर्म किससे रिलेटेड है? पहला गलत, दूसरा गलत, सीडीएम छोटो प्रोटोकॉल, ये करेक्ट है। थ्री ओनली प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लोन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून
वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग सोलर पावर का हिसाब रखने के लिए, कितना पावर जनरेट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, कितना जनरेशन, कितना कंज्यूम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रैंकिंग कौन जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, सबसे पहले किसने डिकोड किया था उसको, सबसे पहले डिकोड किसने किया, अशोकन एडिक्ट को सबसे पहले डिकोड किसने किया, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, स्वदेशी एंड बायपोट, स्वदेशी एंड बायपोट।
पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में हुआ था, स्वदेशी बायकॉट, बंगाल के विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में यूएन रेड प्रोग्राम क्या चीज के बारे में है, रेड प्लस प्रोग्राम क्या चीज से संबंधित है। रेड प्लस तीनों करेक्ट है, यूएन रेड प्लस ऑल थ्री करेक्ट। एजेंडा 21 एजेंडा 21 एजेंडा 21 1992 में अर्थ समिट जो हुई थी, तो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का प्लान है ये, 21st सेंचुरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का 1992 अर्थ समिट में सामने आया है, 1992 अर्थ समिट सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र।
एंटी कास्ट मूवमेंट, वायरस इन्फेक्ट करता है इनमें से किसको? वायरस इन्फेक्ट करता है इनमें से किसको? Viruses can infect all three. Swayam. An initiative of the Government of India aims at Swayam, an initiative of the Government of India aims at providing affordable and quality education to the citizen for free. Providing affordable and quality education to the citizen for free. ये correct है. Montague Chelmsford proposal were related to 1919 का जो प्रावधान Montford proposal क्या चीज के बारे में था? Montford proposal किससे संबंधित है? Constitutional reforms. With reference to Bitcoin, Bitcoin are tracked by central bank. गलत. Bitcoin में सामने वाले व्यक्ति की identity ना भी हो, केवल एक code होता है. बिना जानकारी के भी हम उसको transfer कर सकते हैं. Online payment can be sent without either side knowing the identity. ये बात सही है. Central bank की कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर. Tracking नहीं हो सकती. गडगिल कमेटी एंड कस्तूरीरंगन कमेटी किसके बारे में है? गडगिल कमेटी एंड कस्तूरीरंगन कमेटी किससे संबंधित है? गडकिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिलेटेड टू
दोनों ही कमेटी संबंधित हैं वेस्टर्न घाट्स। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किसका है ये? किस कंट्री का इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड? हाँ बता रहा हूँ, चाइना का प्रोग्राम है ये, वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड। चाइना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा योजना। मुद्रा लोन देता है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये लोन देता है एमएसएमई, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें से कहाँ कहाँ शेल गैस पाई जाती है? शेल गैस इसमें से कहाँ कहाँ मिलती है? इसमें से शेल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? कैम्बे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तीनों करेक्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। IMF इसमें से किसको किसको स्टार लेबल जारी किया गया है, किसको किसको स्टार लेबल दिया गया है। सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर, फ्लोरोसेंट लैम्प, तीनों करेक्ट है। सबसे पहली इंटरलिंकिंग किन दो नदियों के बीच कराई गई थी? सबसे पहली इंटरलिंकिंग किन दो नदियों के बीच में कराई गई? कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा एंड गोदावरी डिजी लॉकर के बारे में क्या करेक्ट है? डिजी लॉकर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। डिजी लॉकर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। It is a DigiLocker system offered by the government under Digital India program. It allows you to access your e-document irrespective of physical location. Dono correct hai.
एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI कैलकुलेशन में क्या क्या लिया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या लिया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, PM 2.5, PM 10, CO, लेड, NO2, SO2, अमोनिया, ओजोन। तो CO2 और मीथेन नहीं होगा, 2, 3, 4 करेक्ट है। स्टेफर्ड क्रिप्स एनविसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्रिप्स प्रपोजल जो आया था उसमें क्या कहा था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस। मेन रीजन क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट होने का, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नरमपंथी गरमपंथी के बीच का विवाद था ये, नरमपंथी गरमपंथी के बीच का विवाद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में क्या करेक्ट है,
द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड, ये गलत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल प्रोग्राम है, 2030 तक अचीव होना है, 17 गोल प्रोग्राम अचीव होना है 2030 तक, ये करेक्ट है। ट्रैफिक के बारे में क्या करेक्ट? ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर UNEP, गलत, WWF एंड IUCN इन्होंने मिलकर बनाया था। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट, ये सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये किसके बारे में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या चीज के बारे में? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC के बारे में क्या सही है? इट डिसाइड द RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, इट इज ए 12 मेंबर बॉडी, 12 नहीं होगा 6 होगा, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, गलत, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन,
नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कुपोषण को टैकल करने के लिए टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वेमेन लैक्टेटिंग मदर, ये सही है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनिमिया, ये ठीक है, 1 and 2। एंथ्रोपोजेनिक मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो CO2 का एमिशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर CO2 को स्टोर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सिक्वेस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ CO2, तो आर्टिफिशियल तरीके से कहाँ कहाँ पर CO2 स्टोरेज हो सकती है। तीनों पॉइंट करेक्ट हैं ये। उन्नीस बटलर कमेटी का उद्देश्य, 1927 बटलर कमेटी का उद्देश्य, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिकल एरिया में जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिट होता है उसी मॉस्किटो से जो डेंगू भी कराता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जीका का पॉसिबल है, क्या सही क्या गलत। जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जीका का पॉसिबल है, बोथ 1 and 2।
स्टैंडर्ड मार्क ऑफ बीआईएस इज मैंडेटरी फॉर ट्यूब एंड टायर, ये सही है। एग मार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाई फाउ, गलत, ये भी बीआईएस का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम ई नाम के बारे में क्या सही है? ई नाम इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ट्रू, इट प्रोवाइड द फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, बोथ वन एंड टू। मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। इसमें क्या स्टेटमेंट करेक्ट है?
हिमालय पांच राज्यों में फैला है, गलत। वेस्टर्न घाट फाइव स्टेट ओनली, गलत। छह राज्यों में है वेस्टर्न घाट, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु। पुलिकट लेक दो राज्यों में है, ये सही है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, बीओडी इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, क्या बताता है बीओडी? बीओडी इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक सिस्टम में पॉल्यूशन को बताता है। आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल क्या करेक्ट है? इंडियन ओशियन डाइपोल पैसिफिक ओशियन नहीं है, इंडिया के ही दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अरेबियन सी एवरेज से ज़्यादा वार्म हो जाए, बे ऑफ बंगाल एवरेज से कोल्ड हो जाए, तब बनता है इंडियन ओशियन डाइपोल जो एलनिनो के प्रभाव को कम कर देता है। इन्वायरमेंट में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये, पहला गलत है दूसरा सही है। एलनिनो के प्रभाव को इंडियन ओशियन डाइपोल कमजोर कर देता है। घड़ियाल, इसमें से कौन सा घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट है? घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट कौन सा है इसमें? भीतर कनिका, गलत। चंबल, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सही है? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करने के कारण सॉइल की स्थिति खराब हो गई है, उसको टेस्ट किया जाए, सॉइल की टेस्टिंग की जाए, फार्मर को बताया जाए
कि किस तरह की क्रॉप वो लगाए तो फायदा मिलेगा, अदरवाइज नुकसान होगा। तो चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्म लैंड, ये सही है। ऑर्गेनिक एलईडी के बारे में क्या सही है? ऑर्गेनिक एलईडी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। एलईडी में ऑर्गेनिक एलईडी, तीनों करेक्ट है, ऑल थ्री करेक्ट। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे डेबिट कार्ड, दोनों सही है। अब बात आती है जीएसटी, जीएसटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ मैं आ रहा हूँ।
जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, ये करेक्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आएगी, ये गलत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी, चाइना को इंडिया रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। पहला करेक्ट है। उन्नत भारत अभियान क्या पर्पस था इसका, उन्नत भारत अभियान का क्या मोटिव। उन्नत भारत अभियान, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटी टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, ये करेक्ट है। विद्यांजलि योजना, विद्यांजलि योजना, विद्यांजलि टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया, गलत। प्राइवेट स्कूलों की सहायता, प्राइवेट सेक्टर की सहायता लेना स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी, यही सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, मतलब आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, क्या लिखा है। आर्टिकल 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये आर्टिकल 23 है। चाइल्ड लेबर वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 24 है, ये वाला आर्टिकल 24। तो 1 एंड 4 आंसर होगा,
वन एंड फोर, कुछ लॉयन पॉपुलेशन को कहां पर शिफ्टिंग की बात हुई थी, हालांकि हो नहीं पाया। कुछ एशियाटिक लॉयन की ट्रांसफर की बात कहां पर हुई थी, हालांकि फाइनल नहीं हो पाया। पालपुर कोनो मध्य प्रदेश, पालपुर कोनो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो जगह हैं जहां नामीबिया अफ्रीका से चीता इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पालपुर कोनो। नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पालपुर कोनो, नामीबियन चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मध्य प्रदेश में दो जगहों पर। ई लीजा प्रोजेक्ट क्या चीज के बारे में था? ई लीजा प्रोजेक्ट क्या चीज से संबंधित था? ई लीजा प्रोजेक्ट क्या चीज से संबंधित? ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए।